नमस्कार, सुप्रभात, राम राम। दर्शकों, एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। तो अपने टॉपिक जो है वो चल रहा था गुर्जर प्रतिहार वंश का, और इससे पहले की जो क्लास हुई उसमें अपन ने गुर्जर प्रतिहार वंश है इसको कंप्लीट पढ़ लिया था, देख लिया था। एक छोटी सी चीज जो गुर्जर प्रतिहार वंश में रह गई है वो है गुर्जर प्रतिहार शैली। अपन आज की क्लास में गुर्जर प्रतिहार शैली जो है उसका थोड़ा बहुत अध्ययन करेंगे, ठीक है ना? क्योंकि लगभग एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन आता है, और क्वेश्चन किस प्रकार का आता है, उसके अंदर क्या किया जाता है कि आपसे पूछा जाता है, या तो मंदिर का नाम दे देते हैं कि ये जो मंदिर है वो किस शैली से संबंधित है, या फिर क्या करते हैं कि भैया शैली का नाम दे करके पूछ लेते हैं कि भाई निम्न में से कौन से मंदिर जो है वह गुर्जर प्रतिहार शैली से संबंधित है। तो इस प्रकार के प्रश्न जो है वह एग्जामों में आते हैं, तो उसके लिए ही मैं आपको बताने जा रहा हूं गुर्जर प्रतिहार शैली के बारे में। गुर्जर प्रतिहार शैली, देखिए गुर्जर प्रतिहार शैली ये क्या है, कौन सी शैली है? तो छठी से बारहवीं जो शताब्दी है, छठी से बारहवीं शताब्दी के मध्य में जिस स्थानीय शैली, जिस स्थानीय शैली का विकास हुआ था वह स्थानीय शैली ही गुर्जर प्रतिहार शैली अथवा गुर्जर प्रतिहार शैली अथवा इसे कहा जाता है महा मारू शैली। छठी शताब्दी से बारहवीं शताब्दी के बीच में जिस स्थानीय शैली का विकास हुआ, जिस स्थानीय शैली का प्रारंभ हुआ था, उस स्थानीय शैली को गुर्जर प्रतिहार शैली अथवा महामारू शैली के नाम से संबोधित किया जाता है। अब देखिए, यह जो गुर्जर प्रतिहार शैली है यह नागर शैली से निर्मित हुई है, और यह नागर शैली का विस्तृत रूप है। नागर शैली का ही ये क्या है, विस्तृत रूप है। गुर्जर प्रतिहार शैली का जो प्रारंभ है वो किससे होता है, नागर शैली से होता है, और अपने संपूर्ण उत्तर भारत में जो है वह है नागर शैली का वर्चस्व था, और उसी से जो है वो गुर्जर प्रतिहार शैली है वो प्रारंभ होती है। अब देखिए, इस गुर्जर प्रतिहार शैली की क्या विशेषताएं होती है। गुर्जर प्रतिहार शैली जो है इस शैली में ऊंचे चबूतरे पर जिस पर चढ़ने के लिए सीढ़ियां बनी होती है, उस ऊंचे चबूतरे पर जो है वह है शिखर युक्त बड़े भव्य विशाल तम मंदिर जो है उनका निर्माण किया जाता था। इस शैली के अंदर मंदिर में आगे प्रवेश करने के लिए जो है वह है तोरण द्वार होता था। मेहराब युक्त इस प्रकार से इसको बोलते हैं मेहराब। तोरण द्वार का निर्माण होता, तोरण द्वार के बाद में जो है वह एक लंबा स्थान होता जिसे कहा जाता सभागृह, यह होता था तोरण द्वार। जिसको ऐसकर सामने से इस प्रकार से देखा जाए तो इस प्रकार से बड़े बड़े स्तंभों पर है वह तोरण द्वार का निर्माण होता था, जिसके ऊपर इस प्रकार से मेहराब बने होते थे।
ऐसे, ठीक है, स्तंभों पर। ये प्रवेश द्वार अथवा तोरण द्वार कहलाता था। अब सभा ग्रह के बाद में होता एक गर्भ ग्रह, ये होता था गर्भ ग्रह। गर्भ ग्रह वह स्थान जिसके अंदर जो है वो ऊंचा प्लेटफार्म होता और उस पर मूर्ति रखी जाती थी। अब यह जो गर्भ ग्रह है, इस गर्भ ग्रह के अंदर प्रवेश के लिए है वो इस प्रकार से द्वार बना होता था, और गर्भ ग्रह के ऊपर जो है वो एक दूसरे की इस प्रकार से पीठिका से सटे हुए ऊंचे शिखर युक्त मंदिरों का निर्माण किया जाता था। तो ऐसा जो है वह होता था गुर्जर प्रत्यार शैली में निर्मित मंदिर। अच्छा, ये मंदिर है वो बड़ी भव्यता लिए होते थे। प्लेटफार्म जो होता था, चबूतरा जो होता वो भी भव्य होता था। मंदिर का शिखर जो है वो भी काफी ऊंचा होता था। सभागृह जो है वो भी काफी लंबा होता था, और इसके चारों तरफ जो है गर्भ ग्रह के चारों तरफ छोड़ा जाता था परिक्रमा पथ, ठीक है ना। तो यह जो शैली है वो वास्तव में नागर शैली है। इस नागर शैली का ही विस्तृत रूप थी, ऐसी ही होती है नागर शैली, कोई अलग से नहीं होती है। अब देखिए कि भैया यह जो गुर्जर प्रतिहार शैली है, इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि गुर्जर प्रतिहार शैली जो है इस शैली के अंदर पत्थर से मंदिर का निर्माण किया जाता था। मंदिर का निर्माण किससे होता था? पत्थर से होता था। और मंदिर के आंतरिक तथा बाह्य भाग जो है, मंदिर के आंतरिक भाग और बाह्य जो भाग है उनमें, चाहे पूरा मंदिर हो, पूरे मंदिर में अंदर और बाहर जो है वह देवी देवताओं सामाजिक जीवन संगीत नृत्य और परिणय लीलाओं से संबंधित, परिणय लीलाओं से संबंधित सुंदर मूर्तियों का निर्माण होता था। अच्छा, ये जो मूर्तियां हैं वो चित्रित नहीं होती थी, उंकेरित की जाती थी। जिस पत्थर से मंदिर का निर्माण हुआ है उसी पत्थर पर यह मूर्तियां जो है वो बनी होती थी, चाहे वह कोई सा भी स्थान हो, अंदर का स्थान हो या फिर बाहर का स्थान हो। देखिए ये जैसे तोरण द्वार है तो इस पर भी क्या इस प्रकार से सुंदर मूर्तियां जो है वो बनी होती थी। इस पर भी ये जो तोरण द्वार है यहां पर भी सुंदर चित्रांकन होता था, ठीक है ना। बेल बूटे आदि बने होते थे, मूर्तियां वगैरह जो है वो भी तोरण द्वार पर बनी होती थी, ठीक है। जिस पत्थर से मंदिर का निर्माण हुआ है उस पत्थर से ही भैया मूर्तियां बनी होती थी। तो इस शैली को जो है वो कहा जाता है गुर्जर प्रतिहार शैली। छठी से बारहवीं शताब्दी के बीच में संपूर्ण उत्तर भारत के अंदर जो है वो इसी शैली का विकास हुआ था, क्योंकि उत्तर भारत का ये जो क्षेत्र है, इस उत्तर भारत के क्षेत्र में प्रतिहारों का शासन हुआ करता था, और प्रतिहार जो है उन प्रतिहारों के द्वारा जो है वह इस शैली को संरक्षण दिया गया, और प्रतिहारों के अधीन जो सामंत थे उन्होंने इस शैली को संरक्षण दिया। तो ये थी गुर्जर प्रतिहार। आई होप समझ में आ गई हो कि ये गुर्जर प्रतिहार शैली होती है। अब आपको क्या है कि शैली से संबंधित जो मंदिर है, गुर्जर प्रतिहार शैली के प्रमुख जो मंदिर है उनके बारे में बताना है। वैसे तो आपको मंदिरों के बारे में पता है, ये मंदिर कहां पर है कहां पर नहीं है, परंतु बस इतना नहीं पता होगा कि यह जो मंदिर है वह गुर्जर प्रतिहार शैली से निर्मित है, और इन मंदिरों का निर्माण जो है वो लगभग छठी से बारहवीं शताब्दी के बीच ही हुआ है।
और लगभग 36 से 12वीं शताब्दी के बीच जितने भी मंदिर बने हैं वो सारे के सारे मंदिर जो है वो इसी गुर्जर प्रतियार शैली से निर्मित है। तो देखिए अपन बात करते हैं गुर्जर, प्रतिहार शैली के प्रमुख मंदिरों की, गुर्जर प्रतिहार शैली के प्रमुख मंदिर जो है उनकी अपन बात करते हैं। तो देखिए इसमें कौन कौन से मंदिर है राजस्थान के जो गुर्जर प्रतिहार शैली में निर्मित है। हर्षद माता का मंदिर, यह आभानेरी दौसा में है। हर्षनाथ का मंदिर, यह भैया मंदिर जो है वो सीकर में है, हर्ष वाला जो वर्तमान में क्या है उजड़ी हुई अवस्था में है, तुर्क शासक औरंगजेब के द्वारा जो है वो इसे नष्ट कर दिया गया था। दधिमती माता का मंदिर, ये गोट मांगलोद में है। गोट मांगलोद झायल तहसील नागौर के अंदर है। मकरकंडी माता का मंदिर, निमाज पाली में है, और नकटी माता का मंदिर। नकटी माता का मंदिर यह है जयपुर में है। कहां पर है नकटी माता का मंदिर? जयपुर के अंदर है। और इसके अलावा जगत अंबिका मंदिर उदयपुर में है, और उदयपुर में एक जैसे सहस्त्र बाहु का मंदिर है, जिसे वर्तमान में जैसे अपभ्रंश हो गया है सहस्त्र बाहु, और इसे सास बहु के नाम से संबोधित किया जाता है। ये नागदा उदयपुर में है। सोमेश्वर महादेव मंदिर, यह है किराड़ू बाड़मेर में है, और कामेश्वर महादेव मंदिर, यह
आहुआ पाली के अंदर है, आहुआ पाली के अंदर स्थित है कामेश्वर महादेव का मंदिर। और कंसुआ का शिव मंदिर ये कोटा में है। सूर्य मंदिर जो वर्तमान में है, कालिका माता का, ये चित्तौड़गढ़ में है। और चित्तौड़ में एक पार्श्वनाथ का मंदिर भी है, यह चित्तौड़गढ़ में है। तो भैया ये जो है वह है राजस्थान के कुछ प्रमुख मंदिर है जो गुर्जर प्रत्यार शैली से निर्मित है। मुझे पता है आप को इन मंदिरों के बारे में पता है, स्थानों के बारे में पता है। अब ये भी ध्यान रखना ये जो मंदिर है वो गुर्जर प्रत्यार शैली में निर्मित है। तो जिसमें देखिए पीछे एक बार आरएस के एग्जाम में जो है वह एक प्रश्न आया था कि कौन सा प्रश्न आया था, क्वेश्चन आया था कि निम्न में से कौन सा मंदिर प्रतिहार शैली में निर्मित है। और इसमें पूछा था देखिए सोमेश्वर मंदिर, हर्षद माता मंदिर, कामेश्वर महादेव मंदिर, और एक इसमें और था कंसुआ का महादेव मंदिर। इस प्रकार से प्रश्न आया था और नीचे कूट दिए हुए थे जैसे एक एवं दो, दो एवं तीन, एक दो तीन चार, दो तीन एवं चार, ऐसे कूट दिए हुए थे, ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर है वह क्या हो जाएगा सी, क्योंकि ये सारे के सारे मंदिर है वो प्रत्यार शैली में निर्मित है। और ये प्रश्न अपने आरएस प्री के एग्जाम में है वो आया हुआ है। तो आपने देखा कि इस प्रकार से जो है वो मंदिर या फिर शैली के प्रश्न जो है वो हमारे टॉपिक से बनते हैं। और जो शैली क्या थी वो आपको मैंने बताई दी कि ये जो गुर्जर प्रतिहार शैली है, इस गुर्जर प्रतिहार शैली का वर्चस्व 6वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक रहा। और इस शैली के साथ अपने जो है वह है गुर्जर प्रतिहार वंश है वो कंप्लीट हो जाता है। अब अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर है वो अपने अलग टॉपिक का अध्ययन है वो शुरू कर देंगे। तब तक के लिए बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।